हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, वेलकम टू सोनल्स फूड वर्ल्ड। बिना जावन के दही कैसे जमाना, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए दही है ये, और इस दही के अंदर मैं ये 5 बादाम ले रही हूँ। कपड़े से पहले अच्छे साफ कर लेना है बादाम को, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे 10 घंटे के लिए डिप करके, दही के अंदर ही डिप करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अगर फ्रिज नहीं है तो आप बाहर भी रख सकते हो 10 घंटे के लिए। और ये देखिए हो गया है 10 घंटे, और अब मैं इस बादाम को इस दही के अंदर से निकाल रही हूँ और इसे अच्छे पानी में डाल के इसे साफ धो लूँगी बादाम को मैं। और ये देखिए, और एक बार और एक पानी से मैं वापस धो लूँगी इसे, एकदम साफ़ धो लेना है। और फिर इसे अच्छे से सुखा देना है हमें फ़ैन की हवा में। ये देखिए कपड़े से मैं पहले अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर इसे सुखाने के लिए रख दूँगी। अच्छे से सूख जाने चाहिए बादाम वापस फ़ैन की हवा। ये देखिए गुनगुना सा दूध है, और इसे ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा जाग आने के लिए, और दही हमारा अच्छा जमना करके। और इसके अंदर ये मैं 3 बादाम इसके अंदर डाल दूँगी, और देखिए डाल रही हूँ 3 बादाम, और इसे जमाने के लिए रख दूँगी। ये देखिए दूध दही अच्छे से जम गया है हमारा, ये देख लीजिए आप, एकदम परफेक्ट दही जमा है। और इसमें से ये मैं बादाम निकाल लूँगी और इसे वापस ऐसे कैसे ही धो के फैन कपड़े से पोंछ के फिर फैन के नीचे हमें इसे सुखा लेना है बादाम को। ये देखिए मैंने इसमें कोई जावन नहीं डाला है, और ये 100% वर्क करता है फ्रेंड्स। आप ज़रूर इसे ट्राई करके एक बार देखिएगा। और इसे वापस मैं धो के सुखा के डब्बे एकदम सुखा लूँगी फ़ैन के नीचे, फिर एक डब्बे में डाल के फ्रिज के अंदर 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं हम इसे। जब भी जावन नहीं हो तो ये बादाम हमारा दही का काम कर लेगी। ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।